अयोध्या में 500 वर्षों का सपना साकार होने के साथ ही नए युग की भी शुरुआत हो चुकी है। राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही अयोध्या ने अपने इतिहास में एक नए अध्याय को जोड़ते हुए खुद को सुनहरे अक्षरों में अंकित करा दिया। आज पहला दिन है जब सभी राम भक्त अपने आराध्य के साक्षात दर्शन कर पा रहे हैं। राम मंदिर में आज सुबह से ही भक्तों का तांता लगा है। इसी के साथ न केवल अयोध्या के राम मंदिर बल्कि हनुमान गढ़ी में भी भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। लेकिन इस भीड़ में ये भक्त सभी के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कारण है इनके शरीर पर दिख रही आस्था की अलग और अनोखी झलक। इस अनोखे राम भक्त का नाम मयंक है और ये मुंबई से संबंध रखते हैं। मयंक बताते हैं कि इस टैटू को बनवाने का मकसद नई पीढ़ी को सनातन धर्म के प्रति जागरूक करना है। धन्य हो गया जीवन यहाँ पर आकर। अभी राम मंदिर जाएंगे, अभी हनुमानगढ़ी हो गया, अभी राम मंदिर जाएंगे। 18 तारीख से आया हूँ, बहुत खुशी से, उत्साह से, हर एक कोशिश कर रहा हूँ जाने की। आज मिला है मौका, आज सरकार ने द्वार खोल दिया, जा रहे हैं। आज एक संदेश देना चाहता हूँ युवा को कि जैसे युवा मैं भी हूँ और बढ़ रहा हूँ, सनातन धर्म की ओर बढ़ रहा हूँ और हिंदुओं की, जैसे हिंदुओं का मैं प्रचार कर रहा हूँ, तो यही मैं चाहता हूँ मेरे जैसे और युवा जुड़े मेरे साथ में, अपने धर्म को लेकर के आगे चढ़े, सनातन धर्म को लेकर के आगे चढ़े और नाम रोशन करे अपने धर्म का। बता दें कि बीती 22 जनवरी को राम भक्तों का 500 सालों का इंतजार खत्म हुआ। गली मोहल्लों चौक चौराहों पर भक्तों की टोलियां राम भजन करते, नाचते, ढोल नगाड़े के साथ राम भक्ति में लीन नजर आए। पूरा देश भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही राममय हो चुका है। क्या बच्चे क्या बूढ़े, सभी हाथ में रामलला का ध्वज लिए श्री राम के नारे लगा रहे हैं। ऐसे में अयोध्या नगरी की भव्यता और दिव्यता देखते ही बन रही है।